सब्सक्राइब कीजिए पंडित जी कुछ नया चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज भारत का हर एक नागरिक आजादी का जश्न मना रहा है गुलामी से मुक्त होकर। क्या दोस्तों आपको लगता है कि हम वाकई में गुलामी से मुक्त हो गए हैं? क्योंकि गुलामी कई प्रकार की होती है, जैसे कि आप एक सिगरेट नहीं छोड़ सकते हैं तो यूं देखा जाए तो आप एक सिगरेट के गुलाम हैं। तो ऐसे कई सारी जो बातें हैं जिसमें हम जबरन या मजबूरन जुड़े रहते हैं, वो एक प्रकार की गुलामी है। आज छोटी से छोटी बीमारी के लिए, चाहे वो आपको खांसी हो, आप अंग्रेजी दवाइयों पर निर्भर है। जरा सा बीमार हुए नहीं कि अंग्रेजी दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं और वो आपको जल्दी से ठीक भी कर देती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में आप ठीक हो गए? क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहता है कि अंग्रेजी दवाइयाँ जो है वो आपके लक्षणों पर काम करती है, ना कि आपके रोग पर। हमारी बरसों पुरानी आयुर्वेद परंपरा जो हमें एक तंदुरुस्त जीवन जीना सिखाती है, वो शायद हम कहीं भूल ही गए हैं। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी दवाइयाँ एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद, उनमें से कौन सा बेटर है आपके लिए? क्या बरसों पुरानी हमारी परंपरा जो थी वो सही है, या अभी आई हुई ये अंग्रेजी दवाइयाँ जो है वो सही है? आप किसको प्रीफर करेंगे? ये सारी बातें देखेंगे हम आज के वीडियो में। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को जोर से लाइक दबा दीजिए और आपका प्यार दर्शाइए। जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको अक्सर मिलते रहेंगे। मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद, भारतीय परंपरा और अंग्रेजी दवाइयाँ। देखा जा रहा है काफ़ी समय से हम किसी न किसी रूप में इन अंग्रेजी दवाइयों का गुलाम बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल का मीडिया उनको ही सही दिखा रहा है और हमारी जो भारतीय आयुर्वेद परंपरा है उसको न जाने कहाँ वो हाइड कर रहा है। सबसे पहली बात देखेंगे हम इस वीडियो में, आयुर्वेद की पद्धति कौन सी है, कैसे इलाज होता है, कौन सी औषधियाँ होती है, और देखेंगे अंग्रेजी दवाइयाँ और उसकी इलाज की थेरेपी। सबसे पहले शुरुआत की ही बात करते हैं। अभी अंग्रेजी दवाइयाँ शुरू हुई विश्व में, उसका आविष्कार हुआ 300 साल से ज़्यादा नहीं हुआ, और भारतीय आयुर्वेद परंपरा को देखें तो 5000 साल पुरानी है, जहां पतंजलि, चरक ऋषि जैसे कई लोग हो गए और उन्होंने भारत को एक सबसे बढ़िया विश्व गुरु बनने का मौका दिया और आयुर्वेद की विविध पद्धतियों को निजात किया। तो क्या पहले के समय में लोग बीमार नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे, लेकिन स्वस्थ भी हो जाते थे, और अंग्रेजी दवाइयों के बिना जो भी रोग था वो समूल नष्ट होता था। लेकिन अंग्रेजी दवाइयों में देखें तो सिर्फ लक्षणों पर काम हो रहा है। दूसरी बात, आयुर्वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, उसकी गहराइयों तक, जड़ तक इलाज करता है। जबकि अंग्रेजी दवाइयां है तो सिर्फ आपके रोगों को दबाने का काम करता है, सिम्टम्स जो होते हैं वो दबाने का काम करता है, रोग कंप्रेस होता है लेकिन आपके शरीर से बिल्कुल निकलता नहीं है। उदाहरण के तौर पर अभी पिछले कुछ समय से देखें तो जो डायबिटीज के दर्दी हैं उनको अगर आप एलोपैथी दवा लेते हैं तो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन समूल नष्ट नहीं हो सकता। तो ये ऊपरी तौर पर काम करता है। अंग्रेजी दवाइयाँ खास करके आपके शरीर को अंदर से खोखला बनाती जा रही है। एक बात तो आप मानेंगे कि अंग्रेजी दवाइयाँ एक प्रकार का केमिकल है जो आपके शरीर के लिए नहीं बना है, और फिर भी आप उसको ऊपर से दे रहे हैं तो शरीर अंदर से आपका बिल्कुल खोखला होता जा रहा है। रोग
ढक सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। तो ये अंग्रेजी दवाइयों की एक कमजोरी मानी जाएगी। आयुर्वेद में रोगों को नष्ट करने की जो पद्धति है, भले ही थोड़ी धीरे है, लेकिन आपके कोई भी रोग को समूल नष्ट करेगी। ये उसकी कार्य पद्धति है, धीरे धीरे लेकिन पूर्ण रूप से काम करेगा। जबकि अंग्रेजी दवाइयों में आप देखें तो ऊपर ऊपर से आप ठीक हो सकते हैं, लक्षणों पर काम करता है, रोग को छिपा सकते हैं, रोग को कंप्रेस कर सकते हैं, रोग को ढांक सकते हैं, लेकिन रोग को समूल नहीं निकाल सकते, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। दवाइयां आपको आजीवन लेनी होगी, आपका पूरा जीवन दवाइयों पर निर्भर हो जाएगा। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो आयुर्वेद में साइड इफेक्ट्स बिल्कुल जीरो, कोई नहीं। और अंग्रेजी दवाइयों में देखें 100% साइड इफेक्ट्स है। और एक चौंकाने वाली दोस्तों बात यह भी आई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक संशोधन है कि सालाना 50 लाख से भी ज्यादा लोग इस साइड इफेक्ट से मरते हैं। तो ये बात यहां पर आपको जाननी होगी कि आयुर्वेद में जहां पर साइड इफेक्ट जीरो है और अंग्रेजी दवाइयों में जहां 100% साइड इफेक्ट है, तो आप क्या पसंद करेंगे। जो भी आप सोचते हैं, आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के समय की सबसे बड़ी बात, खर्चा। जहां पर आयुर्वेद चिकित्सा में खर्चा बिल्कुल ना के बराबर है, वहीं पर आप अंग्रेजी दवाइयों में फंस गए तो लाखों रुपए आपके बर्बाद हो सकते हैं, और वो भी बिना रिजल्ट के। जहां पर औषधियां होती है वो प्रकृति जन्य होती है, उसमें ऊर्जा होती है, उसमें प्राण होता है, और वह औषधियां आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, तो आप संपूर्ण तंदुरुस्त और स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर आप अंग्रेजी दवाइयां देखें तो आपको अंदर से खोखला और बीमार बनाती जा रही है। औषधियों का खर्चा बिल्कुल ना के बराबर है, और वहीं पर आप देखें अंग्रेजी दवाइयां, इसकी दवाइयां इतनी महंगी होती है कि ना पूछे बात। जैसे कि हैंड सैनिटाइजर की बात करते हैं, अभी जो नींबू है, नींबू का रस है, वो एक नेचुरल हैंड सैनिटाइजर है, तो एक नींबू की कीमत क्या होगी, 1 रुपया। और वहीं पर आप किसी अंग्रेजी कंपनी का हैंड सैनिटाइजर लेते हैं 50 ml का, 80 रुपये, तो कौन सस्ता हुआ। आप मूर्ख बनाए जा रहे हैं, अंग्रेजी दवाइयों के हम गुलाम बनते जा रहे हैं। सभी दवाइयां जो आपको बड़ी बड़ी एड के थ्रू दिखाई देती हैं, वो पैसे कमाने का साधन है। और उद्देश्य की बात करें तो भी यहाँ पर आयुर्वेद में मानव सेवा, मानव कल्याण, ये आयुर्वेद का उद्देश्य है। और वहीं पर अंग्रेजी दवाइयों का उद्देश्य, बड़ी बड़ी कंपनियां मुनाफा कमाती है, व्यापार बढ़ाती है, आपको लूटकर। तो क्या आप अपनी सुवर्ण औषधियों की परंपरा जो आयुर्वेद की है, उसको छोड़कर आप किस ओर आगे बढ़ रहे हैं? कहीं आप फिर से तो गुलाम नहीं होते जा रहे? ये बात सोचने जैसी है। अंत में चॉइस आपकी है, क्या आपको वास्तव में संपूर्ण स्वस्थ होना है और आयुर्वेद की स्वर्ण परंपरा को अपनाना है, या फिर से गुलामी की दिशा में आगे बढ़ना है और कभी ना ठीक होने वाली दवाइयां जो होती है उसको स्वीकार करना है, विश्व गुरु बनना है या विश्व गुलाम बनना है। सोच आपकी, पसंद आपकी। अगर आपका कोई सुझाव है, मेरी बात से सहमत है, असहमत है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, मैं इसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वंदे मातरम, जय भारत।